हेलो एवरीवन, मैं पूजा। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी नर्सरी में एडमिशन के बारे में, क्योंकि जब हम हमारे बच्चों का एडमिशन नर्सरी क्लास में करा रहे होते हैं तो हम पेरेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज हमारे मन में होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में दे पाऊँ। जैसे सबसे बड़ा सवाल एक होता है बच्चों की एज को लेकर कि किस एज में हमें हमारे बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए। दूसरा, बच्चों के टेस्ट इंटरव्यूज़ को लेकर क्वेश्चंस होते हैं कि क्या क्या हमारे बच्चे को आ जाना चाहिए जब हम बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं, या हम एज अ पेरेंट क्या क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए ताकि वो स्कूल में वहां के एटमॉस्फेयर में अच्छे से एडजस्ट हो पाएं। अब हमारे बच्चे फर्स्ट टाइनी स्टेप स्कूल में रखने जा रहे हैं तो ये मोमेंट बहुत स्पेशल होता है, वो फीलिंग बहुत स्पेशल होती है जब पहली बार हमारा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में हमारे सामने खड़ा होता है, हम फोटोज क्लिक करते हैं। तो अब हमारे बच्चों की स्कूलिंग लाइफ शुरू होने वाली है, सो वी आर रेडी। एज के लिए ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है कि पर्टिकुलर इस एज में आपके बच्चे की ये क्लास होनी चाहिए, इस उम्र में बच्चे की ये क्लास होनी चाहिए। बट येस, कुछ स्कूल्स में ना स्टैंडर्ड सेट होता है, जैसे कि 31 मार्च 2023 तक आपका बच्चा अगर 3 साल का है तो वो नर्सरी क्लास में एडमिशन लेंगे। लेकिन इसमें भी अगर आपका बच्चा जनवरी बोर्न है तो 2 महीने कम रहेगा, यानी 2 साल 10 महीने का आपका बच्चा है तो वो नर्सरी में एडमिशन लेंगे ही नहीं। हाँ, वो लोग बोल सकते हैं कि आप हमें प्ले ग्रुप का कोई सर्टिफिकेट दिखाइए 6 मंथ्स का, तो वो एक बार को कर सकते हैं। और ये चीजें भी ना स्टेट वाइज डिपेंड करती हैं, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करती हैं। बट जनरली अगर हम बात करें तो 3 साल का बच्चा नर्सरी क्लास में, 4 साल का LKG, 5 साल का UKG, इस तरह से होता है। बट कुछ पेरेंट्स बोल सकते हैं, मैम हमारा तो बेटा 2.8 है, यानी 2 साल 8 महीने का है, तो हम नर्सरी में एडमिशन करा दें। तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चा अच्छे से बोल लेता है, अच्छे से उसकी वोकल आ गई है, वो चीज़ें समझता है, आपने उसको बहुत सारी चीज़ें रिकग्नाइज़ करा दी हैं, तो आपका बच्चा नर्सरी में ही जाएगा। कुछ पेरेंट्स बोल सकते हैं, मैम हमारा बच्चा तो 3.5 साल 4.5 साल का हो गया है, उसको बोलना नहीं आता है, वो समझता नहीं है, तो उसकी तो एज निकलती जा रही है, वो तो ऐसे पीछे रह जाएगा। तो पीछे बच्चे नहीं रहते हैं, उनको जब एटमॉस्फेयर मिलता है वो चीज़ें जल्दी जल्दी से ग्रास्प कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से वो सीख जाते हैं। तो जितना आपको अभी ये लग रहा है कि हमारा बच्चा पीछे रह गया, वो एकदम से स्पीड पकड़ता है और वो चीज़ें बहुत जल्दी सीखता चला जाता है। तो 3.6 में भी नर्सरी का एडमिशन हो सकता है। अब बात करते हैं कि बच्चों को क्या क्या आना चाहिए, हम लोग एडमिशन कराने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारे बच्चों को आ जानी चाहिए। तो 3 साल के आसपास का आपका बच्चा है तो इस एज में बच्चों की रिकग्निशन, मतलब रिकग्नाइज करने की जो पावर होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को दिखाकर उन्हें बता पाएँ कि ये चीज़ होती है, इसको हम ये बोलते हैं, लाइक फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स, प्राइमरी कलर्स आप बता सकते हो बच्चों को, बॉडी पार्ट्स, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं तो बॉडी पार्ट्स आप बच्चों को बताइए। जितना ज़्यादा आप उनको बताएंगे वो उतना ज़्यादा ही चीज़ें सीखेंगे। तो आप ये करा सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं घर पे। अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, मैं ये नहीं कह रही कि आप घर पर ही सिखा दीजिए, बट यस, एक दो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ द लेटर ए, सारा एक साथ नहीं बताना है, एक दो स्टार्टिंग के आप बच्चों को बता सकते हो। इसके अलावा आपके बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो रहा है तो बच्चा डायपर फ्री होना चाहिए। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड कुछ बच्चे होते हैं तो वो स्कूल में सेटल होने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं, तो अगर बहुत इमोशंस बच्चों के अंदर हैं, बहुत इमोशनली आपके साथ अटैच्ड हैं, तो थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए बच्चे के एडमिशन के लिए, या फिर आप स्कूल में बात कर सकते हैं, एक दो घंटे के लिए आप स्टार्टिंग में भेजिए, वो स्कूल वाले भी कई बार आपको रिकमेंड करते हैं। और आप घर पर अपने बच्चों के कुछ स्किल्स डेवलप करा सकते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स पे आप काम करा सकते हैं, प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ घर पे आप खेल खेल के थ्रू आप बच्चों को करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को एडमिशन से पहले घर पर कराइए, उनको वहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में उनकी हेल्प कीजिए, और अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करते हैं तो बच्चों की एंट्री स्कूल में बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है और वो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही शेयर करने वाली थी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड येस, इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, यू कैन कॉमेंट मी राइट बिलो माई वीडियो।